नमस्कार, यह है बात पते की। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे और आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात, क्योंकि ये जुड़ी हुई है सीधा एम्प्लॉयज से, यानी कर्मचारियों से। कर्मचारियों के हितों पर हुए एक नए सर्वे से पता चला है कि कार्यस्थल यानी वो जगह जहां आप काम करते हैं, वहां तनाव के मामले में भारत टॉप पर है। मैकिन्से हेल्थ इंस्टीट्यूट 2023 का सर्वे ये कहता है कि भारत में सबसे ज़्यादा कर्मचारियों ने बर्नआउट की शिकायत की है। यह आंकड़ा 59% से ज़्यादा है। दुनिया भर के 30 देशों में 30,000 कर्मचारियों पर किया गया ये सर्वे ऐसे वक्त पर आया है जब हाल ही में इन्फोसिस के कोफाउंडर नारायण मूर्ति ने युवाओं को हफ्ते में 70 घंटे काम करने की नसीहत दी थी। इस सर्वे में 18 से 24 साल के यंग एम्प्लॉयज, छोटी कंपनियों के कर्मचारी और ऐसे ज़्यादातर लोग जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, उन सभी ने हायर बर्नआउट की शिकायत की है। अब इस वीडियो में आप सोच रहे होंगे कि बार बार मैं बर्नआउट शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, आखिर ये बर्नआउट शब्द होता क्या है, उसे ज़रा सबसे पहले समझ लीजिए। बर्नआउट यानी थकावट का ही एक बड़ा रूप जो लगातार प्रेशर फील करने के कारण होता है। ये ज़्यादा से ज़्यादा लंबे समय तक वर्क प्लेस पर मिल रहे प्रेशर, इमोशनल प्रेशर, शारीरिक और मानसिक तनाव का परिणाम होता है। ज़्यादातर मामलों में बर्नआउट नौकरी से ही संबंधित देखा जाता है या ऐसी जगह जहाँ आप ज़्यादा वक्त बिता रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये सर्वे कह रहा है कि भारत की कंपनियों या यहाँ के ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे लोग काम करते वक्त ज़्यादा दबाव या थकावट महसूस कर रहे हैं। लेकिन ज़रा रुकिए, दरअसल इस सर्वे में एक पॉजिटिव बात भी कही गई है और वो है एम्प्लॉयज़ के होलिस्टिक हेल्थ को लेकर। भारतीय कर्मचारी की जो होलिस्टिक हेल्थ है वो बाकी दुनिया के मुकाबले बहुत शानदार है और इस सर्वे में भारत को दूसरा स्थान दिया गया है। पहले स्थान पर टर्की का नाम सामने आता है। वहीं जापान जो है वो इस लिस्ट में, यानी होलिस्टिक हेल्थ वाली लिस्ट में सबसे नीचे आता है। इस बर्नआउट का शिकार हो रहे भारतीय कर्मचारियों ने एक जो सबसे अहम शिकायत की है वो ये है कि वर्क प्लेस पर लगातार उनसे ऐसा काम लिया जाता है कि वो थक से जाते हैं, उन्हें ब्रीदर नहीं मिलता, उन्हें ब्रेक नहीं मिलता। जबकि जापान में भी इस तरह की समस्या सामने आई है, जापान का नंबर भारत के बाद है। वहीं स्विट्जरलैंड में कार्यस्थल पर थकावट का स्तर सबसे कम दर्ज किया गया है। तो एक पॉजिटिव साइड है कि यहाँ के कर्मचारियों की होलिस्टिक हेल्थ अच्छी है, लेकिन नेगेटिव साइड ये है कि भारत में लोग ज़्यादा बर्नआउट के शिकार हो रहे हैं वर्क प्लेस पर। इस पर आपकी क्या राय है? और ये जो 70 घंटे का कॉन्सेप्ट कहा जा रहा है, 70 घंटे युवाओं को काम करना चाहिए वर्क प्लेस पर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कॉमेंट बॉक्स में बताइए। कैसी लगी आपको ये जानकारी, ये भी हमसे साझा कीजिए। नमस्कार।